Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झटपट बनने वाला कोको कोला आइसक्रीम की रेसिपी, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और हमें भी गर्मियों में बहुत अच्छा चिलिंग चिलिंग सा पसंद आएगा। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे पेपर कप्स लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ग्लास में भी आराम से बना सकते हैं। कोको कोला का बोतल लेना है और इसमें डाल देना है। तो बस इतना इतना समय बना रही हूँ, पूरा भरूंगी नहीं। तो अब बस मुझे क्या करना है, इसको यूं ही उठा के फ्रीजर में रख देना है। तो गाइस फ्रीज में नहीं, फ्रीजर में रखना है। लेट्स गो। इस स्टेज पे हमें डंडी लगाना है। अगर हम पहले लगाते तो पानी की वजह से डंडी खड़ी नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने इसको अब लगाया है। तो गाइस कौन कौन मुझे ये बोला, ये पागल है क्या, बिना डंडी के आइसक्रीम कैसे बनेगा, कैसे खाएंगे? जरूर बोला होगा, मुझे पता है। पर मैं आपको ना सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। तो अगर साथ साथ लगाना चाहते हैं तो साथों साथ लगा सकते हैं, पर क्या होगा, एल्युमिनियम पेपर से रैप करना पड़ेगा, उसके ऊपर से इसको डालना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। लेट्स गो। अब इसको हम अच्छे से फ्रीज करेंगे। गाइस अब ये अच्छे से फ्रीज हो चुका है। इसे हम अगर पानी में ऐसे डाल देंगे, डिप कर देंगे, तब भी आराम से निकल जाएगा, पर ये कागज है तो हम इसे फाड़ देंगे ऐसे। तो गाइस आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस ये अपने आप ही स्लिप कर रहा है, देख रहे हो। तो जाइए गाइस फटाफट फ्रीज कर लीजिए और मजा लीजिए कोको कोला का। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चेक कर लेते हैं गाइस, अमेजिंग अमेजिंग लग रहा है। पीने में तो वो अलग एक टेस्ट हो जाता है, बट इस तरह से फ्रीज करके आप कोको कोला को एक बार आइसक्रीम फ्लेवर में लीजिए, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है गाइस। बहुत ऐसे बताने से पता नहीं चलेगा, आप एक बार इसको फ्रीज करके तो देखिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। तो चलिए गाइस मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। तो फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।